दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में सूखे का आकलन करने के लिए जल्द होगी हाई लेवल मीटिंग। झारखंड में अभी सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। मानसून की बारिश की वजह से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्थिति अभी भी कमोबेश 2022 वाली ही है। 2022 में झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सुखाड़ प्रभावित घोषित किया गया था। कृषि निदेशालय के अनुसार इस साल पिछड़े वर्ष की अपेक्षा स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन आच्छादन का इस वर्ष का रिपोर्ट भी चिंताजनक है। झारखंड के 24 में से केवल 3 जिले साहिबगंज, गोड्डा और सिमडेगा में सामान्य बारिश हुई है, जबकि बाकी के 21 जिलों में सामान्य से कम मानसूनी बारिश के कारण से झारखंड में कृषि कार्य बेहद प्रभावित हुई हैं। झारखंड में 9 महीने की बच्ची में एवियन फ्लू की पुष्टि। झारखंड के रामगढ़ जिले की रहने वाली 9 महीने की एक बच्ची में एवियन फ्लू बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के डीसी और सिविल सर्जन को अलर्ट किया है। इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि इसके अलावा पूरे झारखंड में फिलहाल कहीं बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू का मामला सामने नहीं आया है। बता दें कि लगभग 3 महीने पहले झारखंड में पक्षियों में बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद झारखंड के कई इलाकों में चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। बाद में हालात नियंत्रित होने पर रोक हटाई गई थी। इसकी रोकथाम को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से भेजा सम्मन। 24 अगस्त को होगी पूछताछ। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर से सम्मन भेजा है। ईडी ने 24 अगस्त को पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने दफ्तर बुलाया है। जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर सम्मन भेजा है। उन्हें 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 14 अगस्त को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के बदले सीएम की ओर से पत्र लिखकर ईडी से समय की मांग किया गया था। इससे पहले भी ईडी ने 3 नवंबर 2022 को अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी द्वारा जारी किए गए समन के आलोक में उनसे आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा सहित जमीन से जुड़े मामलों में पूछताछ करने का अनुमान लगाया जा रहा था। अब विदेशों में पढ़ेंगे झारखंड के ईडब्ल्यूएस कोटी के बच्चे। झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को भी सरकार अब उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत एसटीएससी पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का पूरा खर्च झारखंड सरकार उठाती है। योजना का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को नहीं देने का प्रावधान है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इसका लाभ कैसे मिले, इसका रोड मैप तैयार करने का निर्देश विभाग को दिया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो समाज कल्याण व शिक्षा विभाग के माध्यम से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को योजना का लाभ कैसे मिले, इसकी योजना तैयार की जा रही है। देश में जल्द घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। भारत सरकार इस पर काम कर रही है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के बजट से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए को री अलोकेट किया जाएगा। इस पैसे को फूड और फ्यूल की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए लगाया जाएगा। यह री अलोकेशन इस तरह होगा जिससे सरकार के घाटे का लक्ष्य प्रभावित न हो। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसमें लोकल गैसोलीन सेल्स पर टैक्स घटाना और खाद्य तेल और गेहूं पर आयात शुल्क को कम करना शामिल है। गैसोलीन पर टैक्स कम होगा तो पेट्रोल डीजल के दाम घट जाएंगे। खबरों को माने तो सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए जल्द ही कुछ बड़ा कदम उठा सकती है, जिससे खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई से आम आदमी को निजात मिल सकती है।
सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्ट पर आरोपी को सजा मिलनी जरूरी है। ऐसे मामलों में केवल माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोग आपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते। सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट को लेकर दायर एक याचिका पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए उक्त बातें कहीं। कोर्ट ने तमिल फिल्मों के अभिनेता और बीजेपी के पूर्व विधायक 72 साल के एस वे शेखर ने महिला पत्रकारों को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट लिखा था, इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पूर्व विधायक की ओर से याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग की गई थी। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 चंद्रमा पर उतरने को तैयार। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 दोनों चंद्रमा की कक्षा में हैं। दोनों अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लूना 25 के पहले यानी 21 अगस्त को उतरने की उम्मीद है, जबकि चंद्रयान 3 के दो दिन बाद यानी 23 अगस्त को उतरने की संभावना है। दोनों मिशनों का लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव के पास एक ऐसे क्षेत्र में उतरना है जहां पहले कोई अंतरिक्ष यान नहीं गया है। 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के लूना 24 की लैंडिंग के बाद से केवल चीन चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने में सक्षम रहा है। क्रमशः 2013 और 2018 में चांग-E3 और चांग-E4 वहीं भारत और रूस दोनों अपनी पहली सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्याज के दाम में वृद्धि की संभावना को देखते हुए केंद्र ने लगाई 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी। केंद्र सरकार ने रिटेल मार्केट में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उसने शनिवार को प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। खबरों को माने तो पिछले सप्ताह खबर आई थी कि सितंबर से देश में प्याज महंगा हो जाएगा। 25 से 30 रुपए किलो मिलने वाला प्याज अगले महीने से 60 से 70 रुपए किलो बिकने लगेगा। इससे महंगाई एक बार फिर से सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी। ऐसे में जानकारों का कहना है कि संभावित महंगाई को भांपते हुए सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है। यही कारण है कि उसने प्याज के निर्यात पर 31 दिसंबर तक के लिए 40% ड्यूटी लगा दी है। प्रोस्टेट कैंसर की दवा कोविड-19 वेरिएंट से लड़ने में कर सकती है मदद। शोधकर्ताओं ने पाया है कि प्रोस्टेट कैंसर से लड़ने वाली एक दवा कोविड और इसके वेरिएंट के खिलाफ भी मदद कर सकती है। कोविड महामारी की शुरुआत में पुरुषों को गंभीर बीमारी और मृत्यु की उच्च दर का सामना करना पड़ा, जिससे शोधकर्ताओं को एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन से जुड़ते हैं और SARS-CoV-2 वायरल संक्रमण के बीच संबंध पर संदेह हुआ। इस अवलोकन ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को प्रोक्सालूटामाइड नामक प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए एक दवा पर गौर करने के लिए प्रेरित किया, जो TMPRSS नामक एंजाइम को अवरुद्ध कर काम करता है, जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स द्वारा नियंत्रित होता है कोविड के एक संभावित इलाज के रूप में। मिशिगन सेंटर फॉर ट्रांसलेशन पैथोलॉजी के निदेशक और पैथोलॉजी के प्रोफेसर अरुल चिनाइन ने कहा, हम पहले से ही 50% से अधिक प्रोस्टेट कैंसर के प्रमुख जीन ड्राइवर के हिस्से के रूप में TMPRSS2 का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए इसे देखना उचित होगा। SSC ने जारी किया SSC परीक्षा 2023 का कैलेंडर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से SSC एग्जाम 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ये कैलेंडर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में होने वाली परीक्षाओं के लिए है। अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 25, 26 और 27 अक्टूबर 2023 को आयोजित होगी। वहीं संयुक्त उच्चतर माध्यमिक
स्तरीय परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2023 4 दिसंबर को आयोजित होगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से जिहां में सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2023 का आयोजन 22 दिसंबर 2023 में किया जाएगा। देश में कोविड-19 के आए 72 नए मामले। देश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 72 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1452 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 4.49 करोड़ हो गई हैं। मृतक संख्या 5,31,925 हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से रिकवर हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,63,171 हो गई हैं। रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% और मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से कोविड-19 रोधी टीके की अब तक 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।